अस्सलामुअलैकुम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? और मेरी हमेशा यही दुआ होगी मेरे तमाम देखने वाले जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, खैर वफ़ियत के साथ रहिए और अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और अभी शाम हो चुकी है, शाम के 4 बज चुके हैं और हम अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रहे हैं शाम के 4 बजे से। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर चलते हैं किचन में क्योंकि अब टाइम हो चुका है इफ्तार बनाने का, तो अब मैं इफ्तार बनाऊंगी। फिर चलते हैं किचन में और देखते हैं कि मैं क्या बनाती हूँ आज। कटपक रख लिया है, ये चावल मुझे अभी बनाना है, इसको चुनना है इस चावल को। चलिए बनाते हैं। और यहाँ पर मैंने अंडे आलू बॉयल किए हैं, तो आज मैं बनाऊँगी अंडा का बिरयानी। यहाँ पे देखिए मैंने अंडे बॉईल कर दिए हैं, अंडे आलू बॉईल हो चुके हैं। चलिए बनाते हैं, छीलते हैं पहले इसको तो बनाएंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? और मेरी हमेशा यही दुआ होती है मेरे तमाम देखने वाले जहाँ से भी हमको देख रहे हैं, खैर वाफ़ियत के साथ रहिए और अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए। और आप सभी के रोज़े कैसे जा रहे हैं माशाल्लाह बताना ज़रूर। और यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है, इफ्तार का टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर बन रहा है मेरा मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ जल्दी से बनाने की। तो प्याज वगैरह कट कर रही हूँ और उधर मैंने मिक्स करके रख दिया है मैंने पकौड़े बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं मसाला पीसूँगी। तो बस जैसे कि पता है आप सभी को, मैं आज बनाऊँगी अंडा की बिरयानी, तो बस उसी के लिए मैं तैयारियाँ कर रही हूँ। मसाले वगैरह मैंने पीस लिया है, पीस रही हूँ मैं, और प्याज वगैरह मैं कट कर रही हूँ। और उधर देखिए मैंने मिक्स करके रख लिया है पकौड़ों के लिए, तो बनाऊँगी मैं प्याज के पकौड़े आज बनाऊँगी। तो इस तरह से जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। और बस यहाँ पे अंडे आलू मैंने बॉईल भी कर लिया है, जो छील करके मैंने रख लिया है और उसको मैं कट लगा रही हूँ आलू में। तो बस इस तरह से हमारा जो है बनता रहता है। और मैं अपना जो ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आज आप सभी को, और मैं रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी। तो मेरी जो रूटीन होती है जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं शेयर करती हूँ आप सभी को। और कुछ भी गलत भी लगे तो बताना ज़रूर हमको, और अच्छा भी लगे तो भी बताना ज़रूर हमको आप सब। और क्योंकि आप सब फ्रेंड हो मेरे, गलती भी मुझसे होती है ना, तो वो सब भी बता दिया करिए आप सब, ताकि मैं गलती को सुधारूँ, कहाँ मेरी गलतियाँ हैं उसको मैं सुधारूँ। और इस तरह से हमारा जो है आलू और आलू कट गए हैं, अंडे छील कर मैंने रख लिया है और किसी से मैं बातें भी कर रही हूँ। और इस तरह से हमारा जो ब्लॉग है वो मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और चैनल पे न्यू होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आल पे क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए और आप सब मेरे वीडियो को देख सको, वॉच कर सको। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रही है मेरी प्याज की पकौड़े। और बस इसमें देख सकते हो आप कि मैं बना रही हूँ प्याज के पकौड़े, और इस तरह से मेरा जो है पकौड़े बन रहे हैं। और यहाँ पे मैं अंडे को फ्राई कर रही हूँ, तो अंडे को फ्राई करूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे आलू को भी फ्राई करूंगी। तो इस तरह से मैं अंडे की बिरयानी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने चावल का पानी बघार लगा दिया है और उसमें जाएंगे चावल। तो यहाँ पे देखिए मैंने अंडे आलू मैंने फ्राई कर लिया है। और बस तो यहाँ पे मेरा जो है पुलाव बन रहा है बिरयानी के लिए। और यहाँ पर मैं प्याज भी फ्राई कर रही हूँ, प्याज भी फ्राई कर रही हूँ। प्याज को फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद यहाँ इसमें मसाले जाएंगे, मसाले में भूनूँगी, उसके बाद मेरी बिरयानी बनेगी। तो बस यहाँ पे देखिए मेरी जो है बिरयानी बन चुकी है।
और मैंने ज़्यादा कुछ शेयर नहीं की हूँ क्योंकि रमज़ान चल रहा है और अंडे की बिरयानी मैंने बहुत बार शेयर की है। घास खा के ओकरा में डाला ओकरा के मकई मकई खा ओकरा अच्छा न लगा भाई पतई बांध है पूछा हेलो क्या कर रही हो जी पढ़ाई कर रही हो पढ़ाई हो रहा है तुम्हारा कितना रोजा हुआ आज क्या रोजा थ्री रोजा हो गया तीन रोजा सब जुमा चल रहा है जुमा से चल इतवार सोमवार मंगल बुध छठवा रोज आज मुकम्मल हुआ इंशाल्लाह अल्लाह करम से और अल्लाह ने चाहा तो सारे रोजों को अल्लाह मुकम्मल कराएंगे। हमारा काम है बस नियत करना रोजा रखना अल्लाह ताला कामयाब कर बना रही हूँ देखे तो देखे रोजा रखे और सोझा रहे सलाम कर दो करो सलाम शर्माती का हो करना चाहिए ना सलाम बोलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू जन्नत मकान दोजा खराम अल्लाम अल कुरान खलक अल इंसान अल्लामहु अल बयान अश्शम्स व अल कमर व हुस्बान व अन नजम यशजुर व अशजुर यशजुदान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान और यहाँ पे इफ्तार नहीं यहाँ पे टाइम हो चुका है सुबह के टाइम हो चुके हैं यहाँ पे दूध जा रही हूँ चाय बनाने दूध की और यहाँ पे मैंने दही जमाई थी वो जम चुकी है दही तो यहाँ पे सहरी का टाइम हो रहा है और बस तो चाय मेरी बन रही है और देख सकते हो आप चाय मेरी बनने वाली है बन रही है खौल रही है अच्छे से पक रही है और बस इस तरह से मैं सहरी में ज़्यादा मैं कुछ बनाती नहीं हूँ दही रहता है चाय बना देती हूँ अंडे फ्राई कर देती हूँ और रोटियाँ बना देती हूँ दिल ओ लड़का ए उठ जा उठ टाइम हो गया जल्दी उठ टाइम हो गया जल्दी उठ ए उठ जल्दी टाइम हो गया छोटू 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 है उठ टाइम हो गया जल्दी उठ चल जल्दी से उठो सो फ्रेंड्स चाय वगैरह बन चुकी है बन चुकी थी चाय वगैरह और बच्चों को मैंने जगा दिया है सहरी करने के लिए और सहरी करने के बाद यहाँ पे सुबह हो चुकी है सुबह और झाड़ू मैंने लगा दी थी पूरे घर में और सुबह में ना क्या होता है ना कि पढ़ने के बाद नमाज पढ़ने के बाद मैं सो जाती हूँ और उसके बाद जगती हूँ ना तो अपना जो सारा काम है वो मैं करती हूँ और यहाँ पे देखिए मैं काम कर रही हूँ अपना जो किचन है उसको मैं साफ़ कर रही हूँ कुछ तो किचन में वगैरह गिर हो जाते हैं और कुछ इस तरह से मैं साफ़ कर देती हूँ तो अच्छा लगता है किचन को तो वही पोछ रही हूँ साफ़ कर रही हूँ उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी और आप सब बताना आप सब कैसे हो किचन क्लीनिंग हो रही है मेरी इस तरह से ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो मैंने बहुत पहले कर चुकी हूँ रमज़ान से पहले ही मैंने 4-5 दिन पहले मैंने पूरे किचन की डीप क्लीनिंग मैंने की थी लेकिन उसकी मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई हूँ और यहाँ पे देखिए थोड़ा मोड़ा जो है किचन वही साफ़ कर रही हूँ उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी तो बर्तन मेरे साफ़ हो रहे हैं और आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पर न्यू होंगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से वीडियो में। और यहाँ पर देखिए मेरी बात करते करते मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाएगी और मैं बोलती रहती हूँ सब्सक्राइब करने को, लेकिन कोई सब्सक्राइब करता ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है कहना, या आप लोग करो या ना करो, हम तो बोल लेंगे ही। तो यहाँ पर देखिए बर्तन मेरी साफ़ हो चुकी है, बस धुलना बाकी है। और आप सभी के रोजे कैसे जा रहे हैं? मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर ले रही हूँ और उसके बाद वीडियो का एंड करूँगी। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग को? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू होंगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।